आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक यहाँ पे टेस्टिंग। हम करने जा रहे हैं 50 रुपीस अंडर बर्गर, आलू टिक्की बर्गर, जम्मू की अलग अलग जगह से जो हम लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नेस कैफे का ये आलू टिक्की बर्गर। नेस कैफे का बर्गर था फ्रेंड्स, इस पैकिंग कुछ ऐसे है, पैकिंग बिल्कुल ही अनहाइजीनिक टाइप दी है, कुछ रायत नहीं कुछ नहीं है। ये इसके ऊपर थोड़ा सा केयर और बना के दे दी थी, के साथ में इसके साथ ये कैचअप मिले हैं, टिश्यूज मिले हैं, और ये बर्गर है 50 रुपीस का बर्गर है। ये होल व्हीट बर्गर है, इसके अंदर देखिए ये है बिल्कुल कम, थोड़ी सी यहाँ पे कैबेज है और ये सॉस आप बिल्कुल कम है, और नीचे मेयोनीज और वो है ये आलू टिक्की। आलू टिक्की कुछ ऐसे है। चलिए अब करते हैं टेस्ट, बताते हैं इसका क्या जायका, क्या स्वाद होने वाला है। बिल्कुल बेसिक स्वाद जो होता है, बिल्कुल बेसिक आलू टिक्की का है। आलू टिक्की में जो हल्के से मसाले डाले हुए हैं, और ये बन का जो फील आ रहा है प्रॉपर, जो इसमें कैचअप वगैरह सॉस वगैरह डली, उसका कोई मजा नहीं आ रहा, कोई फील नहीं आ रहा। इनफैक्ट सिंपल देसी बेसिक बर्गर जो नेस्कैफे दे रहा है, मैं नेस्कैफे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। बट एक चीज़ इनकी अच्छी थी, होल व्हीट में है, मैदे में नहीं है। ओवरऑल 50 रुपीज का प्राइस था, बट ये बर्गर ओके है, उतना खास नहीं लगा। जो अगला बर्गर हम ट्राई करने जाएंगे वो है दयाल का, जम्मू की सबसे फेमस बेकरी है दयाल हाउस, वहाँ का बर्गर लेके आए थे। ये भी 50 रुपीज का बर्गर है, और इसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार से है। ये इन्होंने इसमें एक प्लेट दी है, ये प्लास्टिक के बॉक्स में इन्होंने दी है, और ये नैपकिन है, ये सॉस जो हम खाते नहीं बिना उसके। और इसमें हमें क्या मिलने वाला है, ये देखिए ये है, ये दो टमाटर है, बाकी ये मेयोनीज वगैरह डाली है, हम टमाटर खाते नहीं, टमाटर हम निकाल देंगे। और ये टिक्की है, टिक्की के नीचे इन्होंने थोड़ा सा ये फ्लेवर ये डाला हुआ है। तो ये है दयाल का बर्गर, जम्मू की सबसे फेमस बर्गर, इसका प्राइस 50 रुपीज था आलू टिक्की बर्गर। टिक्की में कोई खास फ्लेवर नहीं है, इनमें सबसे अच्छी चीज है जो इसका बन है, बन काफी ज्यादा सॉफ्ट है, बन की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ऊपर सेसमे सी लगी है, उसे क्रंच आ रहा है, पर टिक्की का स्वाद जो है बिल्कुल ओके है। प्लस जो इसके अंदर सॉसेज वगैरह पड़ी हुई है, कैचअप वगैरह डली हुई है, जितने भी इसके अंदर मटेरियल डला हुआ, उसका स्वाद भी ओके है। 50 रुपीज में था, ये भी ओके है, इतना इंप्रेसिव नहीं लगा मुझे ओवरऑल बताऊं। अगला हम ट्राई करने जाएंगे मैकडी का, मैकडी का ये था 46 रुपीज का आलू टिक्की बर्गर। ये आज आपने खाया, ये बड़े सारे लोगों का फेवरेट है, ये इस प्रकार से पैकिंग थी मैकडी के बर्गर की, बट हमने 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे के इसको हमने लिया है होल व्हीट में। होल व्हीट में पड़ा हमें 57 रुपीज का, अगर होल व्हीट नहीं लेते तो 46 के अराउंड पड़ेगा ये, तो इसमें भी हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। होल व्हीट बन जो है वो इसके ऊपर सेसमे सीड वाले होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ये इसके अंदर आ गई सॉस। यस प्राइस, मैं टमाटो के लिए इसके अंदर मना नहीं किया था, बस प्राइस मिला मुझे यहाँ पे आके तो ये थोड़ा सा अजीब सा मिली है, बिकॉज मैं कल टिक्की में टमाटर होते हैं, टमाटर होते हैं, बट यहाँ नहीं थे। एनीवेज ट्राई करते हैं टेस्ट पे क्या फ्लेवर आ रहा है इसका। मैकडी के बर्गर में आलू टिक्की की बर्गर जो टिक्की है उसका क्रंच काफी अच्छा है, प्लस जो सॉस पड़ी है ना उसका ना टैंगी सा स्वाद आ रहा है, टैंगी सा जो जहाँ पे ये प्याज पड़े, प्याज के कारण से क्रंच बढ़ रहा है। होल व्हीट में है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट जितने भी खाए मैंने उससे बेटर ये मैकडी का है, 44 रुपीज का ही ऐसे प्राइस है, टैगर 46 का पड़ता है, और मैकडी काफ़ी अच्छा निकला। ये निकला हमें मिला ये 57 रुपीज़ का। तीन बर्गर हमने ट्राई कर लिया, उसमें सबसे अच्छा था मैकडी का। अगला बर्गर हम ट्राई करने जा रहे हैं ये डिम्पल का। डिम्पल जो है जम्मू की सबसे पुरानी बेकरी, ये शॉप है, फास्ट फूड बेकरी नहीं, फास्ट फूड। यहाँ पे जो है इन्होंने सबसे पहले जो है मुझे लगता था जम्मू में जो बर्गर फेमस करने वाले डिम्पल है, इनके बर्गर पर ये बटर वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने। ये आ गया इसके अंदर मेयोनीज, मेयोनीज के बाद बस मेयोनीज और ये टिक्की। अब करते हैं टेस्ट, अगर आपको देसी बर्गर पसंद है, देसी बर्गर खाना, तो डिम्पल बर्गर आपके लिए बना हुआ है, बिकॉज उसमें बटर का फील आ रहा है, प्लस मेयोनीज का मजा आ रहा है, और आलू टिक्की का मजा आ रहा है, बन भी काफी सॉफ्ट है। इसमें जो सबसे मजेदार चीज है वो उसका बटर, जो बटर बन के ऊपर लगाया उसका फ्लेवर काफी अच्छा आ रहा है, बिल्कुल देसी टच, बिल्कुल देसी फील आ रहा है। ये था डिम्पल का बर्गर, ये 50 रुपीज का था, आज अभी तक का सबसे महंगा बर्गर था ये
मैगडी का ये था 50 ग्राम का, बिकॉज होलवीट था, आप होलवीट नहीं लेते हो तो ये पढ़ना था 46 का। तो ये लास्ट बर्गर हमने लिया है बर्गर सिंह का, इसका निकू बर्गर आता है वो हमने लिया था, ये पड़ा था हमें 41 रुपीज, सबसे सस्ता बर्गर यही है 41 रुपीज का, बट 41 रुपीज में इन्होंने हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है, देखिए। और ये देखिए स्पेशल लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉपर आपको सील वगैरह दी है, सील अगर ब्रोक होगी तो ये ले लीजिए। मैं इसकी पैकिंग सबसे, पैकिंग के मामले में बात की जाए तो बर्गर सिंह की पैकिंग काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी अच्छी है, 41 रुपीज़ में आपको इतनी अच्छी पैकिंग दे रहे हैं। इसके दो ये कैचअप, ये बर्गर सिंह की अपनी कैचअप है, तो ये टिशू और ये बर्गर, निकू बर्गर इसका, ये देखिए साइज वैसा ही है नॉर्मल सबका होता है। और ये इसके अंदर यहाँ पर लेटस है, ये साथ में थोड़ी सी सॉसेस वगैरह, और ये टिक्की, और ये करते हैं टेस्ट। इसमें गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है, स्पाइसी है, ओवरऑल टिक्की अब क्रंच है, बन की क्वालिटी काफी अच्छी है। 41 रुपीज में ये बर्गर, सबसे अच्छा बर्गर है यार, 41 रुपीज में अगर आपको बर्गर खाना है, बर्गर से इनसे बेटर बर्गर आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इतना टेस्टी फ्लेवरफुल, और यार इतने अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं, जो उसमें गार्लिक का फ्लेवर आ रहा है इतना अच्छा आ रहा है, जो स्पाइस चाहिए बर्गर में, जो हल्की सी स्पाइसनेस चाहिए वो प्रॉपर आ रही है, ओवरऑल ये बर्गर में काफी अच्छा था 41 रुपीज का था। तो हमने आज खाए पांच बर्गर में सबसे बेटर निकला ये बर्गर सिंह का बर्गर, निकू बर्गर, 41 रुपीज का बर्गर था। अगर आपको खाने बर्गर तो आप अगर आलू टिक्की बर्गर खाना चाहते हो, बर्गर सिंह का बर्गर आप ट्राई कर सकते हो, बहुत बढ़िया बर्गर, बहुत अच्छा टेस्ट था। ओवरऑल ये थी मेरी आज की पूरी वीडियो, आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।